नमस्कार। फागुन की फुहार, चुनाव की बयार, मुबारक हो आप सबको होली का ये त्यौहार। होली के रंगों की अपनी तासीर है, तो वहीं नेताओं का रंग बदलना भला आप सबसे कैसे छुपा हो सकता है। खबरों के पीछे की खबर, थोड़ी गोसिप, थोड़ी खुसर फुसर, यही है सुनी सुनाई का सफर। सुनते हैं राजस्थान के सियासी माहौल में होली के रंग खुले हुए हैं। नेताजी कहीं चंग पर थाप देते नजर आ रहे हैं, तो कहीं गिनर नृत्य के प्रतिभागी बने दिखाई दे रहे हैं। दरअसल नेताजी चाहते हैं कि होली के इन रंगों के साथ जनता से कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, मीटर नापा जाए कि क्या है जनता का मूड। यही वजह है कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में नेताओं की अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। कहीं राजकुमार रिणवा जैसे पूर्व मंत्री गाते दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं मुस्लिम विधायक अपने हिंदू भाइयों के साथ होली का पर्व मनाते दिख रहे हैं। शेखावाटी में होली की अलग ही रौनक है। हालांकि ये बात सही है कि राजस्थान में बड़े नेता उस तरह होली नहीं मनाते जैसे बिहार और यूपी के नेता होली पर आयोजन करते हैं। फिर चाहे बात रामविलास पासवान की होली की हो या लालू यादव की होली की, राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत के समय जरूर होली पर अपने सरकारी निवास पर वो एक आयोजन रखते थे। अपने पुराने मित्रों, संगी साथियों के अलावा कुछ नेता भी उस कार्यक्रम में आते थे। दरअसल भैरव सिंह शेखावत को किस्से सुनने और सुनाने का बहुत शौक था और होली के रंगों के साथ अपने इस शौक को वे पूरा करते थे। कहते हैं उस वक्त भैरव सिंह शेखावत के दरबार में भीड़ भी खूब हुआ करती थी। लेकिन भैरव सिंह शेखावत के स्वर्गवास के बाद राजस्थान में किसी मुख्यमंत्री ने होली को इस तरह से एंजॉय नहीं किया। हालांकि अशोक गहलोत रंगों से तो दूरी बरतते हैं, लेकिन फिर भी तिलक होली खेलते हुए उन्हें कभी कभार देखा गया है। वहीं बीकानेर में सांसद बने धर्मेंद्र को लेकर यूं तो जनता बेहद परेशान रहती थी। जनता को लगता था कि उन्होंने एक ऐसा सांसद चुन लिया जिसे केवल पर्दे पर ही देखना होगा। यहाँ के पुराने पत्रकार बताते हैं कि धर्मेंद्र होली को बहुत एंजॉय करते थे और एक आध होली बीकानेर में भी मनाई। एक होली पर आईजी के निवास पर उन्होंने तमाम पत्रकारों को और अपने साथियों को बुलाया और खूब गुलाल अबीर भी उड़ाया, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की। या यूं कहिए रंगों से उनको बहुत प्यार था। जब मौका मिलता वे रंगों में सराबोर हुआ करती थी, रंग लगाना हो या रंग भरना। कहते हैं इलाहाबाद में जब वे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही थी तो होली का त्यौहार आया। इंदिरा ने इतनी जमकर होली खेली कि होली के बाद भी होली के रंग हाथों से जा नहीं रहे थे। ऐसे में इंदिरा उन्हीं रंगे हुए हाथों को लिए हुए अपने स्कूल पहुंच गई और उस स्कूल में इस बात को लेकर इंदिरा को खूब डांट मिली। इस बात का जिक्र इंदिरा ने खुद अपने एक पत्र में किया है। दरअसल अप्रैल 1975 में सरकारी अधिकारी को लिखे हुए एक पत्र में वे संस्मरण का जिक्र कर रही हैं और उन अधिकारियों से ये भी पूछ रही हैं कि क्या आपको ऐसा कोई किस्सा याद आता है जब आपको स्कूल में डांट पड़ी हो। हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि इंदिरा ने उस घटना के बाद होली खेलना छोड़ दिया हो। इंदिरा जब प्रधानमंत्री रही उस वक्त की भी कुछ तस्वीरें मिलती हैं जिसमें वो अपने बेटे संजय गांधी को होली पर तिलक लगा रही हैं। यानी इंदिरा जी के इस किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि होली पर थोड़ी बहुत डांट फिटकार मिल भी जाए, लेकिन आप होली के रंगों को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये खुशी के रंग हैं।